प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। जरा आज मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दे या रसूलुल्लाह। खफा होना तेरा ए गुल बदन अच्छा नहीं लगता, खफा होना तेरा ए गुल बदन अच्छा नहीं लगता, तेरे बिन फूल खुशबू और चमन अच्छा नहीं लगता। पड़ी है इसलिए नंगे बदन फिरौन की मैयत, पड़ी है इसलिए नंगे बदन फिरौन की मैयत, कई इबरत के लिए उस पर कफन अच्छा नहीं लगता, कई इबरत के लिए उस पर कफन अच्छा नहीं लगता। मैं जाता हूँ निजामत करने जाता हूँ, शायरों पे बहुत इनाम आता है, और मैं जहाँ जाता हूँ ना, जब ऐसा मामला देखता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, मगर हमारे गाँव के लोग मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बतें करते हैं। और मैं जब जाता हूँ तो ये कहता हूँ, पता क्या कहता हूँ, इस गाँव की आवाम का प्यारे नबी से मेल है। आता है जो भी माइक पर नोटों की पीला पेल है, सबकी गाड़ी पटली पर है अपनी गाड़ी फेल है। खैर कोई बात नहीं भैया, ये भी कि सब किस्मत का खेल है नहीं है, वरना आप देख रहे हो कितने परेशान हैं लोग, कभी चकबंदी, कभी नशबंदी, कभी गोशबंदी, कभी देवबंदी, और कभी GST, पता नहीं कैसी कैसी बंदियां लग रही है। सुन्नी मुसलमान को एहसास नहीं होता है। आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं, इस हिंदुस्तान से जो है मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। मैंने कहा अरे नादान तो कैसी बात करता है, हिंदुस्तान तेरे बाप का थोड़ी है, गरीब नवाज का है। और इस हिंदुस्तान में जब तक गरीब नवाज का मैदान रहेगा, शान के साथ मुसलमान रहेगा। आज तो आतंकवाद की बात करता है, इसी हिंदुस्तान की खातिर हजरात मोहतरम, इसी हिंदुस्तान को बचाने के लिए यही कम से कम तकरीबन 35,000 ओलामा ने अपनी जानों को कुर्बान किया है। मैं तो यही कहता हूँ लोगों, अरे नादान तू हिंदुस्तान से भगाने की बात कहता है, सुन ले। कौन कहता है कि हम दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि हम दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से हम नफरतों का मन नहीं रखते। अरे नोटबंदी से न डराओ हिंदुस्तान वालों, हमको जकात देते हैं हम काला धन नहीं रखते, जकात देते हैं हम काला धन नहीं रखते। तो सुनो, खफा होना तेरा ए गुल बदन अच्छा नहीं लगता, तेरे बिन फूल खुशबू और चमन अच्छा नहीं लगता। पड़ी है इसलिए नंगे बदन फिरौन की मैयत, के इबरत के लिए उस पर कफन अच्छा नहीं लगता। और सुनो, इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है, आला हजरत के नाम पर सीना 6 इंच चौड़ा होना चाहिए और हाथों को उठाकर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। बड़ा एहसान है आला हजरत का, अभी आप जानते नहीं हो, कुछ दिन पहले सजादाए आला हजरत, नबीरे आला हजरत आए थे अपने यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनके उनके रुखे जेबा का दीदार किया, आप जो है मुरीद हो गई थे। जरा मोहब्बत से आला हजरत के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है, जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, किसी के लाख कहने से न बदला है न, किसी के लाख कहने से ना बदला है ना बदलेगा। मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। इन्हीं जुमलों के साथ सिर्फ 15 मिनट की तकरीर करने के लिए, मैं पेश करने के लिए जा रहा हूँ जनाब मोहतरम हजरत अल्लाह मौलाना कारी अकरम रजा साहिब किबला मद्दतुल्लाह नूरानी को पेश कर रहा हूँ। 15 मिनट की तकरीर करने आ रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ आप लोग कितने अच्छे मूड में उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, सारा मजमा जी लगा कर नारा लगाइए, मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी शेर के साथ के जब रजा के फिक्र की तस्वीर करना आ गया, ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना आ गया, मुफ्ती आदम का एक लुकमा मिला खाने को जब, हजरत अजहर से भी तकरीर करना आ गया।